सूचना प्राप्त हुई कि सुहागिन पुरवा में एक व्यक्ति है रामजी वर्मा, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उस सूचना के तत्काल उनके शव का पंचायतनामा कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के आधार पर इसमें इस घटना में 302 IPC के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। PN रिपोर्ट में इनको 4 चोटें और स्ट्रैंगुलेशन आया था। इसी उस पर आगे की कार्रवाई थानाध्यक्ष कोतवाली देहात और उनकी टीम सर्विलांस की टीम इनके द्वारा की गई और ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की बहू और मृतक के साले के लड़के के बीच में कुछ अवैध संबंध है, जिसके बारे में और गहनता से जांच की गई और दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें अपने ऋण का इकबाल करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि इनके अवैध संबंधों की जानकारी मृतक को हो गई थी और वो कई बार इस पर आपत्ति भी कर चुके थे और इसके लिए इन्होंने ये योजना बनाई कि मृतक को रास्ते से हटा दिया जाए और 29/30 की रात्रि में इनके द्वारा गला घोट के इनकी हत्या कर दी गई और मृतक का मोबाइल और 37,500 रुपये, ये बताया गया कि ये गायब हो गए हैं, जो कि बाद में इन्हीं के पास से बरामद हुए हैं और आज उनको न्यायालय में पेश किया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।